आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है हाँ तुझ में कुछ ऐसी सुभाषा जिसकी खातिर मैं था जगा सजा जा रे तो दोस्तों अगर आपको प्रिय वीडियो पसंद आया होगा तो डेक्ले एक लाइक कर दीजिए अगर आपको प्रियो वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो स्टेटस बनने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट से बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेपेक प्रिसेट को अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में इम्पोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा दोस्तों अगर अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में प्रिसेट इम्पोर्ट करने में आपको कोई एरर आता है प्लीज़ साइन इन का तो इसके ऊपर मैंने इसका जो सॉल्यूशन वीडियो है वो बना रखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो को देखकर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो सिर्फ एक ही बार आपको तो तो वीडियो वीडियो देखना है तो को जरूर से देखें अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो इसके बाद दोस्तों आपको मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है प्रोजेक्ट्स में जाकर जो बीट मार्क हमने इंपोर्ट किया है उसको ओपन कर लीजिए बीट मार्क प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी गाना और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं वहां पर बीट मार्क भी ऐड कर दिए है दोस्तों जो शुरू के जो छह बीट से तो दस दो पॉइंट अठारह सेकंड जहां पर मैंने डबल बीट मार्क ऐड कर दिया दोस्तों आप देख सकते हैं यहां तक तो दस पॉइंट अठारह सेकंड तक हम छह लिरिक्स ऐड करने वाले हैं उसके बाद दस पॉइंट उन्नीस से लेकर एंड तक जो हमारे नो बीट्स है उन नो बीट्स में हम नो फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगाने वाले हैं दोस्तों फोटोज में आपको सिस्टमेटिक ऐड करने हैं मैं आपको बताऊंगा आगे तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको जहां पर स्टार्ट होते हैं वहां पर आ जाना है वहां पर आने के बाद दोस्तों आपको काम ईजी करना है तो आपको करना है सिंपली सिंपल सेट को ओपन कर लीजिए और जो पहले लेयर्स नाम लेकिन लेयर आपको देखने को मिल जाएगी और रेक्टेंगल वन दो लेयर आपको मिल जाएगी एक साथ नीचे

से इसको एक्सटेंड कर देना है ताकि जो हमारे बीट जो की फ्रेम से जैसे थे हम, हमारे लिरिक्स में हमें जैसे वैसे आपको रह, रहने चाहिए उसके बाद क्या करना है इसको क्या ऐसे एक्सटेंड कर स्टार्टिंग में और जहां पर हमारे लिरिक्स एंड होते हैं दस मिनट अठारह सेकेंड वहाँ पर आ जाए और वहाँ तक उसको एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से ये देखिए अब हमारा ए वाला पार्ट इसमें ऐड हो चुका है एक बार है आपको सिर्फ ऐड करना होगा और जो हमारा लिरिक्स है वो हमें चेंज करना है दोस्तों अब आपको क्या करना है लिरिक्स को एडिट करने के लिए जो टेक्नोजे वाले लेयर है उस पर क्लिक करना है एडिट टेक्स में जाना है और जो आपको ये नाम है उसको हटा देना है और गाने के लिरिक्स को, को लिखना होगा दोस्तों हमारा पहला सबसे लिरिक्स है तो जुम्मे है तो ये वाला लिरिक्स ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा लिरिक्स में आपको बता देता देखिए उसके बाद दोस्तों आपको इस लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करना है और इसको कॉपी लियर कर लीजिए इस कॉपी करने के बाद बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और एक पॉइंट बारह सेकंड पर जाए यानी कि अगली बार थोड़ा सा पॉइंट मिली uh, पॉइंट जाए आगे और फिर से एक बार उस ऑप्शन पे क्लिक करके पेश क्लियर कर दीजिए पेश क्लियर करने के बाद सबसे पहले उसको अगले वाले बीट मार्क तक टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से आपको एक्सटेंड करना होगा दोस्तों एडजस्ट कर लेना होगा उसके बाद आपको लिरिक्स को सिलेक्ट कर लेना है लिरिक्स को आ, आपको हटा देना है और आपको आगे के लिरिक्स लिख लेना है दोस्तों आगे के लिरिक्स हमारा कुछ सो बस दोस्तों आप क्या कर सकते हैं अगर लिरिक्स में चार वर्ड है तो दोस्तों आप इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दो लाइन में लिख लिख रहा हो उस तरह से आपको इस तरह से लिखना होगा अगर आपके लिरिक्स थोड़े से बड़े हैं यानी कि चार वर्ड में है तो उसके बाद दोस्तों आपको अगले वाले बीट मार्क पर जाना है अगले वाले बीट मार्क पर जाने के बाद इसको पेस्ट क्लियर कर दीजिए टाइम ऑप्शन की मदद इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दीजिए ड्यूरेशन को एक्सटेंड करने के बाद टेक्स में जाकर आगे का लिरिक्स लिख लेना है दोस्तों हमारा आगे का लिरिक्स है जिसके खातिर दोस्तों एक और बात अगर आपको लिरिक्स समझ नहीं आते तो कुछ नहीं होते दोस्तों आप क्या करते हैं सिंपली से आप गूगल पे टाइप कर लीजिए गाने का नाम हमारा जो तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सात तो दोस्तों आपको लिरिक्स मिल जाएंगे वहाँ से आप इजीली एज, ऐड कर सकते हो दोस्तों मैं आपको तीन लिरिक्स ऐड करके दिया हूँ एक और आपको बता देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों अगले वाले बीट मार्क पर जाइए जो हमने पहले लेयर कॉपी की थी उसको पेस्ट कर दीजिए अगले वाले बीट मार्क पर जाकर उस लेयर को सेलेक्ट करके टाइमर और ऑप्शन की मदद से एक्सटेंड कर दीजिए एक्सटेंड करने के बाद एडिटेक्स में जाकर जो हमारा चौथा लिरिक्स है मैं था जो ऊपर के दो दो वर्ड आपको लिख लेना इस तरह से उसके बाद नीचे जाना है उसके बाद जगह सा ये वाला नीचे के दो हमारे लिरिक्स के वर्ड लिख लेना है दोस्तों अब हमने चार लिरिक्स ऐड कर दिए हमारा पांच लिरिक्स है आ तू मेरे और छठा है खौब सजा जा रे दोस्तों ये वाले छह के छः लिरिक्स ऐड करके मैं आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ तब तक के लिए स्कीप कर देता हूँ तो दोस्तों सभी लिरिक्स ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे लिरिक्स ऐड हो चुके हैं और उसमें हमने ऑलरेडी इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ डाल दिया तो दोस्तों हमें इफेक्ट्स भी ऐड करने की जरूरत नहीं है अब हमारा लिरिक्स का पूरा काम हो चुका है अब हमें फोटोज़ ऐड करने है फोटोज ऐड करने के लिए आपको दस पॉइंट उन्नीस सेकेंड वाले बीटमार्क पर आना है प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके जिन भी इमेज पर आपको वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उन इमेज को वन बाय वन ऐड कर लीजिए दोस्तों आज शेडियो के लिए हम जो हीरोइन है आप देख सकते हैं ये वाली ल ठाकुर इनके इमेज यूज करने वाले हैं अगर आपको इमेजेस चाहिए एच क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूँगा जीप फाइल के द्वारा सिर्फ आपको जीप फाइल को डाउनलोड करके एक कर लेना है सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से फोर के फुल एच इमेजेस क्रिएट करने है तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से बन रखा है उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो को देख किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के इमेज को आप फोर के फुल में क्रिएट कर सकते हो वो भी अपने मोबाइल से तो सिंपली से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फोटो को सिलेक्ट

क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इमेजेस ऐड करने हैं तो दोस्तों एक और इमेज में मुझे ऐड करनी पड़ेगी आठ इमेजेस मैंने ऐड कर दिए तो दोस्तों इमेज भी आपको मिल जाएगा दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि इमेज आपको किस तरह से मिल जाएगी आपको हमारे वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों इस तरह से सभी मेजेस ऐड करने के बाद आप आपको क्या करना है सिंपली से पहले वाले फोटो पर आ जाना है पहला वाला फोटो है वहाँ पर आने के बाद फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर तीन नंबर वाले रिसर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी साइज़ को कम कर लीजिए दोस्तों हर इमेज की साइज को आपको एक्जैक्ट रखनी है दोस्तों यहाँ पर 18 वीड तरफ एट हंड्रेड वीड रख देता हूँ उसके बाद अगले फोटो पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और इसका थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ तो दोस्तों 871 रख देता हूँ इमेज के हिसाब से उसके बाद फिर से एक बार अगली इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी भी आपको एट सेवेंटी के आसपास रख देनी है दोस्तों पहली इमेज है उसकी थोड़ी सी एड तक रख दीजिए आपके इमेज के हिसाब से आप रख दीजिए नॉर्मल से आपको ब्लैक कलर है वो पीछे वाला वो देखना चाहिए ऐसा नहीं कि इतना ही करना है दोस्तों आपके हिसाब से आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं तो दोस्तों ध्यान से आपको इमेज का ये वाला प्रोसेस कर देना है इमेज पर सिंपली से इमेज पर क्लिक करके मुंह ट्रांसफॉर्म में जाकर साइज को कम कर लीजिए नो फोटोज है दोस्तों हमारे नो के नो आप जब फोटो ऐड करेंगे तभी कर लीजिए तो दोस्तों मैंने आपको एक साथ बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों एक दो फोटो हमारे दे चुके मैं आपको बता देता हूँ वीडियो भी स्किप नहीं कर सकता हर बार तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों ये देखिए अब हमारे नौ के नौ फोटोज मैंने एडजस्ट कर दिए हैं अब आपको करना है कि पेपर प्रीसेट को ओपन कर लेना है और जो पहली फोटो है उस पर क्लिक करके और उनकी पहली फोटो उसके क्लिक करके पहले भेड को कॉपी कर लीजिए कॉपी करने के बाद बीट मार्क प्रोजेक्ट में जाए और जो हमारी पहली इमेज है हिरोइन की जिस पर उन्नीस सेकंड वाली उस पर क्लिक करके इस वाले भेड को पेस्ट भेंट कर दीजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाए मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ ये देखिए देखिए रोलिंग टाइप दिखाई देगी तो दोस्तों ये करने के बाद आपको को एक बार ओपन कर लेना है और जो दूसरा फोटो है उसके को कॉपी कर लीजिए इलेक्ट्रिक जिस वाला इफेक्ट है तो उसको कॉपी करने के बाद बीट बीटमार्ट प्रोजेट को ओपन कर लीजिए और जो पहली इमेज है उस पर हमने पहला इफेक्ट लगा दिया है और उसके बाद जो बची हुई हमारी आठ फोटोज होंगी उन आठ फोटोज पर आपको ए वाला दूसरा और आखिरी इफेक्ट ऐड करना है दोस्तों इसके बाद हमें एक वीडियो इफेक्ट भी ऐड करना है तो आप वीडियो को अभी भी स्किप मत कीजिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है हमारा मुझे पता है लेकिन दोस्तों वीडियो काफी अच्छा लगने वाला है जब आप इसको एक्सपोर्ट करके सोशल पर शेयर करते हो तो दोस्तों नो के नो फोटो पर वाला इफेक्ट ऐड करने के बाद आपको सिंपली से आपको सिंपली से जहाँ पर हमारा दूसरा फोटो स्टार्ट होता है एक फोटो छोड़कर हीरोइन का तो कहाँ पर मैं आपको टाइमिंग बता देता तो हूँ बारह पॉइंट उन्तीस सेकंड वहाँ पर आ जाए प्लस वाला पर क्लिक करके मीडिया में जाए और मैंने जो आपको एक वीडियो इफेक्ट प्रोवाइड किया आपको ए ऑल मटेरस में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर ए वाला उसको ऐड कर लीजिए ऐड करने के बाद सिंपली से आप देख सकते हैं यहाँ पर ए फुल स्क्रीन नहीं होगा तो उसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर दीजिए फिर कंपोजिशन एडा करके फुल स्क्रीन करने के बाद जहाँ पर एंड होता है हमारा स्टेटस पच्चीस पॉइंट जो नौ सेकंड उसके आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लीजिए फिर इसको होल्ड करके रखिए और जो हमारे आठ फोटोज है सेकंड इफेक्ट जिन फोटोज पर हमने लगाया है उस उनके ऊपर इस तरह से आपको इसको सेट कर दे रहा है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा काफी कमल का इफेक्ट दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएगा और एकदम कड़क हमारे स्टेटस के साथ मैच होता है एक करने बार दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में जो सेटिंग के बगल में है। उस पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट कर लीजिए दोस्तों कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे कॉल पेबल कर दीजिए दोस्तों मिलता हो एक और ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में तब तक एडिटिंग करते रहो अपने भाई को मत भूल जाना जय हिंद